खाना होम स्टे पे मैं अभी पहुंचा हूँ। पॉपुलर है वियतनाम में करी मसाला। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी बजट होम स्टे। खाना भी बनाना चाहते हैं, वॉशर भी है जो मैंने 5 मिनट पहले बनाई है। वॉकिंग पे जा रहा हूँ थोड़ा देर। खाना होम स्टे जिस लेडी का है वो लेडी ने एक बिकवा दिया है दूसरी लेडी को। एनर्जी मेरे को निकाल के 10 मिनट का वॉक लगा के ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, संभलना पड़ेगा। बहुत सारा चिल भी कर सकते हैं। 6,50,000 2,000 रुपए केजी से 700 रुपए पर केजी, 1,00,000 रुपए पर केजी। बहुत सारे देशों में बेचने के लिए बंदी है। डिनर जैसा स्मेल आता है उसमें से। 14 रुपए का एक, 100 रुपए में 10 अंडा। इनके पास आपको मिलेगा ऑयल सॉल्ट, ये सब आपको खाना लेके आना। 4 अंडा उबला है अभी घर से लाया हुआ मसाला। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी पहुंच चुका हूँ दनांग में हाना होम स्टे पे और सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है और हाना मैडम को कुछ गिफ्ट के तहत मैं लेके आया था क्योंकि इनका जो पहला ओनर है ये एकदम अच्छा था। ये आप देख सकते हैं उनका ये होम स्टे पे मैं अभी पहुंचा हूँ। ये उसका एंट्री गेट है, रोड से एकदम नज़दीक है। सारी एम्यूनिटी आपको पास ही मिलेंगी। तो उनके लिए मैंने क्या लाया था, सेफ्रॉन, ये बहुत पॉपुलर है इसमें वियतनाम में। तो मैं बहुत सारी डब्बियाँ उनके लिए लेके आया था। दिस इज फ्रॉम मी, आई हैव प्यू टेस्ट इंडियन करी मसाला। यस करी मसाला, दे आर वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी फ्रॉम हार्ट। लाइक दैट टाइप ऑफ अ होम स्टे, वेरी बजट होम स्टे। आई हैव लॉट्स ऑफ पैकेट टू एज ए गिफ्ट एट हान। इस टाइप के होम स्टे में आप अगर आएंगे तो आपको जितना भी मिनिमम बजट पे आप खाना भी बनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखी होती है। और इनके पास वॉशर भी है। इसमें कपड़ा धोऊंगा, मेरा एक ड्रेस जो है वो ख़राब हो चुका है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ होगा। वो पकाना है मेरा मैगी, मैंने मैगी का पैकेट निकाला है। बहुत सारी चीज़ें लोग छोड़ के जाते हैं, इसमें से आप थोड़ा सा टेस्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और अपने ड्रिंक के साथ मैं उठा रहा हूँ मज़ा मेरी मैगी का जो मैंने 5 मिनट पहले बनाई है। इससे आएगा थोड़ा जोश। और सारा जानकारी लेने के बाद मैं यहाँ कहीं वॉकिंग पे जा रहा हूँ थोड़ा देर के लिए। ये अंकल जी मेरे यूएसए से थे तो उन्होंने भी मेरे को इन्फॉर्म किया ये शिकागो से है, 7 महीने से इधर रह रहे हैं और वीज़ा रन के लिए लाहौर जाना पड़ता है। यहाँ से उनको 120 कुछ तो USD देके। ये रहा मेरा हाना होम स्टे। ये जिस लेडी का है वो लेडी ने एक बिकवा दिया है दूसरी लेडी को। ये ऑस्ट्रेलिया चली गई है शायद। हाँ, फ्रेंड लेडी थी, उनको मैंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए हैं, आपने देखे भी होंगे। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच आने वाला है तो जाएंगे बीच और फिर वापस आएंगे। आज का दिन यहीं ख़त्म होगा शायद क्योंकि देखने लायक या जो एनर्जी बचा है मेरी, तो एनर्जी मेरे को निकाल के ये करना पड़ रहा है। और हॉस्टल से निकलने के बाद 10 मिनट का वॉक लगा के अट्रैक्शन पे हम आए हैं। एक्चुअल में दनांग को जाना जाता है, समुद्र का एक बीच है यहाँ पे, वो दिख रहा था, आपने देखा भी होगा मेरे मोबाइल पे, ये वाला वो बीच है। यहाँ ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, ट्रैफिक रश होता है ज़्यादा, रश ट्रैफिक होने की वजह से आपको संभलना पड़ेगा। यहाँ के ड्राइवरों का राइट साइड से चलाना कुछ ठीक नहीं लगता है, जो स्पीड वो बना लेते हैं। और यहाँ बहुत सारी एक्टिविटी भी है करने लायक, जैसे पैराग्लाइडिंग जैसा दिख रहा है। आप यहाँ बैठ के बहुत सारा चिल भी कर सकते हैं। अभी हमारा गोप्रो का लाइट उतना अच्छा नहीं रहेगा ये मैं भी जानता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। इस साइड से एक आधा एक घंटा वहाँ बैठ के निकला
अभी हमें देखना है पेट्रोल प्राइस यहाँ का जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से। जिस टाइप के रेस्टोरेंट यहाँ बने हैं आप देख सकते हैं, लोग खाना खा रहे हैं लेकिन उनके उनके चॉइस का अगर खाना खाना है उनको तो अलग अलग रेस्टोरेंट यहाँ बने हुए हैं जहाँ से आप अपना फिश पकड़ के उनको देना है वो बना के दे देंगे। इस टाइप का फिश मार्केट और उसका बनाने का सारा कार्यक्रम इधर है। आप देख सकते हैं ये लाइव फिश। ₹6,50,000 ₹2,000 के जी से मिलेगा आपको, ₹2,000 पर के जी। इस टाइप का भी मैंने देखा था, ये है ₹2,00,000 यानी ₹700 पर के जी। ये बहुत महंगा है, ₹39,00,000 पर के जी। इस टाइप से लोग तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ खरीदी करके रेस्टोरेंट में जाके पकानी है। इस टाइप का ये फल है उसको डुरान कहा जाता है, डुरान। उसका इतना डुरान, इसका जो ये होता है स्मेल इतना ज़बरदस्त होता है कि इसको बहुत सारे देशों में बेचने के लिए बंदी है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। जैसे सिंगापुर में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, किन्नर जैसा स्मेल आता है उसमें से, तो ये किसी को हेडेक कर सकता है इसलिए उसको बेचने पर पाबंदी है। और यहाँ के हर एक कोने पे इसी टाइप का रेस्टोरेंट आपको मिलेगा, यहाँ पकड़ना है और वहाँ बना के खाना है, वो बना के दे देंगे आपको। पता नहीं ये ₹2,000-3,000 पर केजी का आइटम है सर। और हना होमस्टे है वो मून मिल के एकदम साइड वाली गली है उसमें था, अभी मैं मुड़ने वाला था तीसरी ही गली में लेकिन फिर याद आया कि मून मिल्क देखा था आते वक्त, तो अभी मैं उसी में घुस रहा हूँ। यहाँ का सुपरमार्केट कौन सा है देखना पड़ेगा। मून मिल्क में जाना है मेरे को सुपरमार्केट में, कुछ चीज़ें मैं खरीदना चाहता हूँ। तो अंदर एकदम अच्छा है, अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ढूंढना पड़ेगा अंदर क्या क्या है, सारी मीट पीट सारी सब्जी, जो ज़्यादा लगने वाली चीज़ें पीछे होती है ये मेरे को पहले से पता है। ज़्यादा लेने वाला पीछे, कम पीने वाला, कम लगने वाला आगे। यहाँ तो पूरा दुकान पड़ा है। और यहाँ मेरे को लेना था एक बियर और अंडा। अंडा जो आप देख रहे 3900 यानी कि ये पड़ रहा है हमें 13-14 रुपए का एक, और ये पड़ रहा है 100 रुपए में 10 अंडा। मैं यही लेता हूँ सीपी 10 अंडे का, सीपी यहाँ का ब्रांड लगता है। इनके साथ थोड़ा सा चीटिंग भी करना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ से 2-3 चीज़ें उठा के मैं अभी जाके बना के खा लूँगा क्योंकि 1-2-3 दिन से बहुत खाना हो रहा था लेकिन आज दिन भर कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरा मिनरल जगह पे रहने के लिए आज 4-5 अंडा उबाल के खाने वाला हूँ मैं। ये बहुत अच्छा रहता है जो नॉन वेजिटेरियन रहता है उसलिए। इनके पास आपको मिलेगा सारा ऑयल सॉल्ट, सिर्फ आपको खाना लेके आना है, यहाँ बनाना है और खाना है। जैसे मैं अभी अंडा बॉइल कर रहा हूँ मेरे लिए,
अंडा बॉईल पे रखा गया है, ये 10 मिनट लगेगा उसको उबले। वो बनाने का जो सामान होता है वो ज़्यादा हुआ तो आप एक गिफ्ट फ्रिज भी है उनके पास, इसमें भी रखवा सकते हैं। मैं इसमें रखवाऊंगा मेरा सामान। ये तो आइस वाला है ऊपर वाला, नीचे वाला देखता है क्या भरा है। ये मेरा रह गया इधर अंडा, ये मैं कल खाऊंगा। और यहाँ आने पे मैंने मेरा डिनर का सारा प्रबंध किया है, जितना भी मैं घर में लेता हूँ उतना सारा चीज़ मैं यही भी कर रहा हूँ और इतने से ही मेरा निपट जाता है। ये मैंने 4 अंडा उबाला है अभी, नमक है और घर से लाया हुआ मसाला भी है, बाकी सारी चीज़ें भी है, और दूसरा एक चिवड़ा भी है उसको भी निकालता हूँ। और यहाँ तक मेरा सारा खाना हो चुका है अभी। अगर ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। एक छोटे से व्लॉग में मैंने सिर्फ दिखाया है कि दनांग में आके मैंने जो खाना होम स्टे था, यहाँ आने के बाद मेरा खाना कैसे प्रिपेयर किया, मैंने क्या एक्सप्लोर किया। अभी नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे दनांग की वो सारी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं। ये व्लॉग आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।